चलिए अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ दो दिन के धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने आखिरी दिन भी बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ ही केंद्र सरकार पर चंद लोगों के हाथ देश को बेचने का आरोप लगाया, तो साथ ही रामनवमी जुलूस के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर भी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी। ममता बनर्जी ने पहली बार विपक्षी दलों से आह्वान किया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़े ताकि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। आत्मा वॉशिंग मशीन हो गया छे। ओए ओ नंदलाल, 1159 रुपया का गैस में बांधते हैं, पकड़ा है मुफ्त का चाल। इंतजार तो करो, कर्नाटक में क्या होगा कर्नाटक का जनता ये ठीक करेगा। बुधवार को मोदी सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखा चुकी ममता बनर्जी आज भी मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखी, लेकिन भाषण की जगह गीत संगीत को हथियार बना है। मोदी सरकार से ये सवाल दागा कि अगर आप मनरेगा का फंड दोगे नहीं तो फिर मुंह कैसे दिखाओगे। माँ माटी मानुष का नारा देने वाली ममता ने समर्थकों के साथ मुल्क से मोहब्बत का तराना भी गाया, अपनी माटी को सारे संसार से बेहतर बताया। संगीतमय शुरुआत के बाद मोदी सरकार पर इल्जामों की बारिश हुई, LIC से बैंक तक बिकने की कहानी सुनाई, बिना नाम लिए ये भी इशारा कर दिया कि मोदी सरकार किन किन लोगों पर मेहरबान हो। LIC থেকে শুরু করে একেবারে ব্যাংক স্টেট ব্যাংক প্রাইভেট টাকাও কালকে নিয়ে নেওয়া হবে বলা হয়েছে। দেশটা পুরো ADR কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এবং আরো মাত্র 3-4 জন লোককে বেচে দেওয়া হয়েছে। মানুষের যে কোনো দিন ব্যাংকের টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, লাইফ ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাবে কিনা ঠিক নেই, যা করছে বিজেপি সরকার সমস্ত বিরোধী দলগুলোকে এজেন্সি দিয়ে কলঙ্কিত করছেন এবং মিডিয়াগুলোকে পুরো কন্ট্রোল করছেন। প্রত্যেকটা চ্যানেলকে দিল্লিতে বলে দেওয়া হচ্ছে ওদের তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ণা প্রোগ্রাম দেখানো যাবে না। ममता बनर्जी जब कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी थी तभी पास के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान बवाल हो गया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंक डाला। गुस्साई दीदी ने बीजेपी पर हमला बोला, मुंहतोड़ जवाब देने का दावा भी कर दिया। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট, রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথোরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। ममता बनर्जी ने कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर चुटकी ली, तो लगे हाथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्षी दलों को साथ आने का आह्वान कर दिया। इंतजार तो करो, कर्नाटक में क्या होगा कर्नाटक का जनता ये ठीक करेगा। किंतु एक कथा मने रखबेन, ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट 3-4 बीजेपी रूल स्टेट, all the state belongs to India, will come together today, মানে this election, this year election, next year election। हाल तक ममता बनर्जी कांग्रेस से इतर विपक्षी मोर्चे पर जोर दे रही थी, लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीने जाने के बाद उन सभी दलों के सुर बदल गए हैं जो तीसरे मोर्चे के जरिए बीजेपी को पटखनी देने पर जोर दे रहे थे। खुद ममता बनर्जी की भाषा भी बदल गई है। मनोज पांडे, कोलकाता, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।